अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी बिजनेसेस को इम्पैक्ट हो रहा है, और बिजनेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस की मार्केटिंग, तो आज हमने अपने पेज पे इनवाइट किया है सर अली आसिम को। मैंने बहुत साल पहले अपने MBA में इनसे मार्केटिंग पढ़ी थी, और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गाय इन मार्केटिंग। तो आज हम इनसे ज़रा सीखेंगे कि कैसे हम, अगर स्टार्टअप है या एक मीडियम साइज या स्मॉल बिजनेस है, तो कैसे हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग को लेकर चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वगैरह आओ, कैसे अस्सलाम हैं आप? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। सर, पहले तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, वैसे मुझे जितना थोड़ा बहुत मैं करवा सका। तो आपकी एजुकेशन एंड योर एक्सपीरियंस इन टीचिंग मार्केटिंग एंड योर एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल मार्केटर, पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज, एंड इट इज़ रियली गुड टू सी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिसको मैंने काफ़ी साल पहले, आई गेस 4-5 साल पहले पढ़ाया था, 4-5 साल दो पहले, हजार चौदह 2014। तो वो दो हजार पंद्रह ही हैज नाउ माशाल्लाह इमर्ज एज अ कंसल्टेंट विद अ वेरी गुड फॉलोइंग, एंड ऑल द बेस्ट टू यू, एंड सो मेनी थिंग्स टू बी अचीव इंशाल्लाह आपसे। अगला यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स आई स्टिल रिमेंबर, एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि आपने मुझसे कुछ सीखा। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस, और यकीनन मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और आइंदा सीखूंगा भी इंशाल्लाह। एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न्ड, यार फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास काइंड ऑफ अ फैमिली, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, पहले मैंने MSc किया माइक्रोबायोलॉजी में, जो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है हमारे एनवायरनमेंट में, सही। तो उनको अपने करियर की डायरेक्शंस नहीं पता होती हैं, वो बस पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सही। था। देन आई एक्सप्लोर्ड माय सेल्फ, उसके बाद आई रजिस्टर्ड इन MBA, आई डिड माय MBA फ्रॉम कलकत्ता रघुनाथ इंस्टीट्यूट, और वहाँ से वाइल गोइंग थ्रू दैट MBA प्रोग्राम मेरा सही। इंटरेस्ट मार्केटिंग में डेवलप हुआ। देन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि आई ठीक। वर्क some great organizations. I worked with Cement Pakistan for a very short period. Then UPL was getting privatized in सही that period. So 2003 में I सही। joined UPL as a management trainee. और तकरीबन 2.5-3 साल मैंने वहाँ काम किया, एंड आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जो UPL को ट्रांसफॉर्म किया। ऑल्दो आई वॉज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर, कि बैंक्स की मार्केटिंग का और कंज्यूमर सही। मार्केटिंग का कुछ खास कॉन्सेप्ट था नहीं हमारे मुल्क में उसका। तो हाउ टू लॉन्च एंड मार्केट अ सर्विस फ्रॉम अ बैंक, वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लर्निंग थी। सही। देन आई वेंट इन टू फार्मास्यूटिकल, आई वर्क विद मेक्टर फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल की मार्केटिंग में बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप सही। मार्केटिंग पर काम करना होता है, उसको उस चीज़ का एक्सपोजर मिला। एंड देन वहाँ पर आपको इसका एक्सपोजर मिला, मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि सेल्स और मार्केटिंग किस तरह से हैंड इन हैंड जाते हैं, मार्केटिंग किसी आइसोलेशन में किसी सही को काम नहीं करती। देन आई वेंट टू डॉलर स्टेशनरी, सही डॉलर पाकिस्तान का एक बहुत एस्टेब्लिश और सबसे पुराना स्टेशनरी कंपनी है, अ वेरी रिस्पेक्टेड कंपनी। उनके कुछ चैलेंजेस थे ब्रांड आइडेंटिटी से रिलेटेड, कुछ स्टार प्रोडक्ट्स हैं उनके, उनकी कुछ मार्केट के इशूज थे वहाँ पर। उनके जो ऑनर्स हैं, उनके जो CEO हैं, इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन एंड अ वेरी गुड पर्सन एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिला, कुछ चीज़ें उनके साथ मिलते की, कुछ बहुत अच्छी कैंपेन्स की। और स्टेशनरी जो एक बहुत स्टैगनेंट सी इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर मार्केटिंग अमूमन कुछ होती नहीं और कॉन्सेप्ट नहीं था, उन चीज़ों सही। को चैलेंज किया, उन चीज़ों को चेंज किया, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करवाया मार्केट में। उसके बाद मेरी नेक्स्ट मूव थी एक्साइट पाकिस्तान में। एक्साइट पाकिस्तान में उस वक्त जो चैलेंजेस इस इंडस्ट्री को दरपेश थे वो ये थे कि सही। बैटरीज उनको जो बैटरी इसका काम करते हैं। जी जी बैटरीज के कन्वेंशनल जो बैटरीज का यूसेज है उससे ज़्यादा वो हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी शॉर्टफॉल। बैटरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था UPS में और दूसरी चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा आपको याद होगा उस जमाने में कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग हो रही थी बैटरीज की। तो मुझे वहाँ पर कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करने का मौका मिला, कैंपेन्स की, एड्स बनाए, 360 डिग्री मार्केटिंग के कुछ एवेन्यूज पर काम किया। एक्साइट में मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था। देन आई वेंट टू पॉपुलर जूसेस, पाकिस्तान के आप समझ लीजिए सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट जूस सही। मैनुफैक्चरर्स हैं,
और खास तौर से जो आपकी रिलेटिवली रूरल मार्केट्स हैं या रिलेटिवली स्मॉलर टाउन्स कहते हैं, माइनस कराची, आप हैदराबाद, बहुत स्ट्रांग उनकी और प्रेजेंस है, पॉली और मजा उनके ब्रांड्स हैं, वहाँ पर काम करने का मौका मिला। वहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है, सीजनल इम्पैक्ट है, कम्युनिकेशन के क्या चैलेंजेस हैं, प्राइसिंग के क्या चैलेंजेस हैं, तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स जहाँ पर मार्केटिंग को आप लिंक करते हैं रियल टाइम बिजनेस की इम्प्रूवमेंट से, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने का मौका मिला। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अनदर नोन ब्रांड्स, वेरी नोन ब्रांड्स, इंग्लिश ऑर्किड्स, ऑर्किड्स की सोर्सेज आती हैं मार्केट में, इंग्लिश की वैल्यूज हैं, रिस्पेक्टेड ब्रांड्स, 20-25 ईयर ओल्ड ब्रांड्स, प्रीमियम फूड्स कंपनी का नाम है। फॉर सम रीजंस ये ब्रांड जो मार्केट में एक बार आउट होते रहे। नाउ माय नेक्स्ट चैलेंज एज आई से मार्केटिंग इज कि इस बिजनेस को जो है वो उस तरह से रिवाइव किया जाए जैसे ये एक ज़माने में करता रहा है। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, थिंग्स आर इंप्रूविंग। यहाँ पर मेरा चैलेंज इज अ बिट डिफरेंट, इन रिलेशन टू मार्केटिंग आई एम आल्सो लुकिंग आफ्टर द एंटायर सेल्स फंक्शन, और डेली बेसिस पे जो भी सेल्स के इशूज़ हैं मैं उनको भी हैंडल कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम। So overall, I would say I got flavors and experience from banking, from pharmaceutical service industry bhi hai, consumer industry bhi hai, FMCGs bhi hai. Plus ye ke phir kuch teaching ka shauk tha, to takriban 10-11 saal ho gaye Karachi University se affiliate hue hain, aur apni knowledge ya jo bhi kuch thoda bahut seekha hai usko share karte hue, aur aap jaise students se बहुत से लोग इंडस्ट्री चेंज नहीं करते, यानी जो किसी भी अगर अगर यानी अकाउंटेंट्स तो क्योंकि शायद चेंज करते हो, लेकिन मार्केटिंग में यूजुअली ये देखा गया कि अगर किसी ने फार्मास्यूटिकल से स्टार्ट किया है चाहे वो सेल्स की साइड पर हो या मार्केटिंग की साइड पर, वो उसी तरफ चलता है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये हर दफा एक नया चैलेंज, और क्योंकि मेरी आपसे जो बात हुई थी बीच में, आपने शायद इस्लामाबाद में भी कुछ अर्से आपने जॉब की। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि वाज इट इजी या ये कैरियर को एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग तो एज अ कंसल्टेंट या फ्रीलांसर इस बात को समझते हैं कि जितनी नई इंडस्ट्रीज में जाएंगे उतना नया एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो ये तो मुझे नजर आया आपकी अभी बात से कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर और हर दफा एक नया चैलेंज और नई चीजें इंसान सीखता है, लेकिन एक कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में रहते हुए लोग यूजुअली ये रिस्क नहीं लेते कि शहर चेंज करने का या एकदम से एक नई इंडस्ट्री में चले जाना, क्योंकि इट्स बीन अ बैंकिंग, इट्स बीन अ यू नो स्टेशनरी और फार्मास्यूटिकल बैंक, तो ये सब चीजें सवाल यानी दो हिस्सों में चला गया मेरे साथ। एक तो ये कि इस पे रिस्क को कैसे आपने मिटिगेट किया, कैसे मैनेज किया, और ये यार आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि नए चैलेंजेस की जाना, और बिल्कुल ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट में ये चीज नजर नहीं आती कि लोग ऐसे इंडस्ट्री स्विच करें। जी जी, हाँ, जी सर, ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है व्हेनेवर मुझे कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू किया गया या कंसल्टेंट्स से इंटरेक्शन हो, तो उनका हमेशा ही सवाल होता था कि यार आपके कैरियर में जो है वो ड्यूरेशंस और मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी क्या वजह है। अच्छा, आई ऑलवेज टुक इट एज अ चैलेंज, मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिली मैं आपसे अपने कैरियर के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स वो थी जहाँ पर मुझे कुछ नया करना था फ्रॉम स्क्रैच, तो दैट ऑलवेज एक्साइट्स मी। सही, बात करता हूँ UBL, सही, उस वक्त वो एक सरकारी यूनाइटेड बैंक से एक प्राइवेटाइज्ड UBL हो रहा था जहाँ पर फेज इन हो रहे नए लोग, नया ब्लड जिन्होंने उस बैंक को आगे लेके जाना था, और फेज आउट हो रही थी वो मैनेजमेंट जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ बैंकिंग में काम कर रहा था, तो दैट वॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। उसके बाद व्हेन आई जॉइंड मैक्टर में भी यही था कि वहाँ पर कंज्यूमर बिजनेस को ओटीसी और कंज्यूमर बिजनेस के अंदर काम करना था, तो अगेन दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी, दैट वाज अ न्यू वेंचर दैट कंपनी एंटरिंग इट, इट वाज अ रिस्की थिंग, एंड मैं मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होगा, इट वाज नॉट समथिंग वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम मैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मल्टीपल रीजंस। डॉलर स्टेशनरी में अगेन मुझे जो चैलेंज पेश आए, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ इशूज थे,
नेमिंग से रिलेटेड, प्लस एक उनके कुछ कैश का प्रोडक्ट्स थे जिनके अंदर बहुत सारे मार्केटिंग चैलेंजेस दरपेश थे, तो उस चैलेंज को टेकअप करना और वहां पर भी चैलेंज को जिस तरह के का था कि वहां कुछ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं था, तो सेम थिंग इज विद एक्साइट, वहां पर भी मैंने चीज़ें जीरो से बनाई, सेम थिंग विद पॉपुलर एंड सेम थिंग इज ऑलमोस्ट हियर जहां पर मैं अभी हूं। सच काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ रिस्क टेकर और मुझे ये अपॉर्चुनिटीज एक्साइट करती हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड एंड नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल कि हर आदमी जो है वो हर स्टेज पे कैरियर के रिस्क ले, बट आई टुक दोज रिस्क एंड आई वुड से के 90% ऑफ द टाइम इट वाज रिवॉर्डिंग एंड सैटिस्फाइंग। देखिए आदमी कैरियर में मटेरियल गेन्स तो कर ही लेता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि आप किस वैल्यू सेट के साथ काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर्स का वैल्यू सेट क्या है और आपको क्या कुछ करने को मिल रहा है, क्या चैलेंज करने को मिल रहा है। इफ यू आर कॉग इन अ व्हील, आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल के अंदर जो है वो जाके एक चलते हुए फंक्शन में फिट हो जाते हैं, तो यू वुड मोस्ट लाइकली बी डूइंग समथिंग रूटीन, आपके पास नया कुछ करने को नहीं है। Although it looks like a bookish stuff, लेकिन ये कि मेरा सारा करियर रहता है एंड as far as my service is concerned, it's very rewarding and satisfying. But it is a challenge as well. इसलिए कि आप किसी नई इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको अपनी लर्निंग की पेस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होना पड़ता है फॉर डिफरेंट चैलेंजेस टू गेट ऑन हैंड्स विद दैट इंडस्ट्री। जैसे ये सवाल रखने की वजह भी ये थी कि जैसे मैं तो शुरू से एज अ फ्रीलांसर या ट्रेनर डेवलप हुआ, इवन शायद आपको याद भी हो यूनिवर्सिटी में भी मेरे पेरेंट्स को लेके मुझे भी काफी खदशात थे, क्योंकि उस वक्त मैं इसमें था कि चलो कुछ ऐसा कॉर्पोरेट करके फिर फुल टाइम कंसल्टिंग करूंगा, लेकिन वो अल्लाह का करना बेहतर ही था कि वो मुझे कॉर्पोरेट में जो है ना वो ना मेरा ना मुझे वो चार नजर आया ना मुझे एकदम से वो 9 to 5 का वो मिला, लेकिन स्टिल दैट इज के ये जो यानी एक एक कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में जाने के बाद ये स्विचिंग अगर हम करते हैं, एक तो ये कि वो स्विचिंग यानी इसकी दो कॉस्ट मुझे नजर आती है, एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है क्योंकि कॉर्पोरेट से जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं अब वो जैसे हमें तो फ्रीलांसर नहीं मिल रहे, हमें पता है ना तो कोई जो है ना वो मेडिकल है ना कोई इंश्योरेंस है, कोई इंसेंटिव्स नहीं है, बस जो वो है वो मैं खुद हूँ और मैंने खुद अर्न करना है, तो हम तो इस माइंडसेट से यानी जीरो से यहाँ पर हैं, लेकिन एक कॉर्पोरेट में जिसने स्टार्टअप लिया हो एक बंदे ने तो उसने वो सारे इंसेंटिव्स देखे होते हैं या उन इंसेंटिव से फायदा लिया होता है, तो एक तो उसके लिए फाइनेंशियल कॉस्ट होती है इस किस्म के चैलेंजेस को लेना, और सेकेंड इज के वो उसकी अपनी सीवी पे क्या रेज्यूमे पे क्या असर पड़ रहा है ये भी चीज एक वो होती है, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट तो इट इज अ गुड थिंग कि मैंने मल्टीपल इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट साइड पे या कॉर्पोरेट के फ्रेमवर्क में शायद इसको लोग इतना जो है ना वो पसंद ना करते, तो अब मैं पूछूंगा ये फाइनेंशियल यानी इसको छोड़ने में यानी फाइनेंशियल वाली साइड का रिस्क भी होगा और ये वाला भी होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। जी बिल्कुल, और क्योंकि अगर प्योर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई वुड हैव बीन मच बेटर अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में रहता earning from a bank aapko apne career ke early stages mein shayad uska tha but then later I realized ke iske andar bahut sare jo hai wo question marks hai with respect to religion and other factors you know to wo bhi ek factor tha jiski wajah se those very luring financial aspects ko maine choda now if I look at my achievements even in terms of financials to वैसे तो हदीस मुबारक ये है कि इंसान की हवस जो है वो तो कब्र की मिट्टी से ही भरी जाएगी, लेकिन एज फार एज वर्ल्डली मटेरियल गेन्स आर कंसर्न्ड तो आई गेस आई एम मोर देन सैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड। बाकी ये कि एक चीज़ जो मैंने देखी कि अगर 10 लोग आपको इंटरव्यू करते हैं ना तो आपके लिए उसमें से 5 या 6 का ये सवाल होता है
कि यार आप इतनी स्विचिंग है और इतनी मल्टीपल इंडस्ट्री है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को वैल्यू भी करते हैं। तो ये फियर मेरे मन में भी था फॉर एवरी न्यू मूव, बट व्हाट आई रियलाइज कि अल्लाह ताला रज़ाक है वो ना सिर्फ आपके लिए दरवाजे खोलता है बल्कि आपको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है जो इस चीज़ को ना सिर्फ रियलाइज करते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं कि समबडी इज ब्रिंगिंग सो मच डाइवर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सही, ठीक है सर। तो हम आते हैं जरा अपने टॉपिक की तरफ, वो ये कि माशाल्लाह आपने बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, तो अभी ये जो कोविड भी आ गया है, और वैसे तो अगर हम पाकिस्तानी बिजनेसेस को देखें तो हमें तो सेल्स और मार्केटिंग के दरमियान ही डिफरेंस नजर नहीं आता, या बहुत से लोग जो बिजनेस करते हैं वो कहते हैं बस यार बिक जाएगा, या आजकल डिजिटल दौर है तो फेसबुक पेज बना लेंगे और स्पैड्स लगा लेंगे। क्योंकि मेरा फेसबुक मार्केटिंग वाले एक्सपीरियंस में, मैं जैसे आपसे कुछ अर्से पहले जो वन टू वन डिस्कशन होते उसमें मैंने कहा बताया था कि वो डिजिटल साइट तो लोग ले लेते हैं लेकिन उन्हें मार्केटिंग के कोर ही का अंदाजा नहीं होता। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि क्या एक छोटा बिजनेस जो कर रहा है, एक तो इम्पोर्टेंस क्या है और फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि हर बिजनेस तो किसी सीनियर मार्केटिंग पर्सन को हायर नहीं कर सकता, तो वो क्या शॉर्ट टूल्स है जो वो सीख सकता है, कोई बुक कोई चीज के वो एटलीस्ट मार्केटिंग का कोर समझ के वो अपने बिजनेस को वैसे लेकर चले, भले उसका अभी स्टार्टअप हो या स्मॉल बिजनेस। जी सर, देखिए स्टार्टअप सी बात है, लोगों के बड़े बिजनेस बनते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल भी एग्जांपल बनी पड़ी है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने स्टार्टअप्स को देखा है, स्मॉल बिजनेसेस को देखा, उनके पास आइडिया होता है, उनके पास प्रोडक्ट भी होते हैं या सर्विस के, लेकिन उनके पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। मतलब आपकी ऑफरिंग एज अ कस्टमर मेरे लिए क्यों बेनिफिट करे, उनके पास वो यूएसपी अगर होता भी है तो उनको उसको कम्युनिकेट करने नहीं आता। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट योर ऑफरिंग, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ऐसी क्या चीज है कि मैं उमर मलिक अमान से कंसल्टेंसी लूं, इसलिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो आपकी सर्विस में आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या यूनिक चीज है जो आपको एच दे ओवर योर कंपेटिटर्स, उसको बैठ के सोचना, उसको चॉकआउट करना। एंड एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं होता, तो फिर आप परसेप्शन की बेस पर वो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केट में बात करते हैं, बहुत सारे अगर मैं एफएमसीजी की बात करूँ, आपको बहुत सारे जूसेस के ब्रांड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ड्रिंक्स के ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन पेप्सी और को और नेस्ले स्टैंड्स आउट फॉर समथिंग स्पेसिफिक। इसी तरह अगर आप जो स्पेसिफिक पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करते हैं, उन्होंने एक स्मॉल स्टार्टअप से पिछले 10-15-20 साल में जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। आप पाकिस्तानी बात करते हैं, अगर शान की बात करते हैं, अगर की बात करते हैं, जो आज जाइंट्स हैं, जिनकी बड़ी हम्बल बिगनिंग थी, तो उन्होंने बाय डिज़ाइन ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि व्हाट वी स्टैंड फॉर, उस पर उन्होंने स्टेप किया और उसको उन्होंने स्पेसिफिकली डिफ्रेंसिएशन के साथ कम्युनिकेट किया और कस्टमर को ये रियलाइज करवाया कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड और प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द कैटेगरी। तो एक बिगनर को, एक स्टार्टअप को रियलाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि मेरी ऑफरिंग मेरे प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए किस तरह से मुख्तलिफ होगी अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विस, उसमें उस वैल्यू एडिशन को आइडेंटिफाई करना और फिर उस वैल्यू एडिशन को कम्युनिकेट करना। अच्छा, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग, हमारे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग के तो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, तो उसे रियलाइज करना और अपने अप्रोप्रिएट मीडियम को सेलेक्ट करना। अगर हम आज पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो एवरेज टेलीविजन व्यू टाइम हमारे यूथ का कम होके 5-10 मिनट पे आ चुका है। अगर आप स्क्रीन टाइम की बात करें टेलीविजन, आज उसका जो स्क्रीन है वो उसका सेल फोन, सारी कम्युनिकेशन उसके ऊपर है। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को राइट मीडियम पे, राइट टाइम पे, राइट मैसेज के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी आती है, रिकॉल भी आती है और आपको ट्रायल मिलने का चांस बढ़ता है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक मिसिंग है हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, उनके पास सॉल्यूशंस हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, मगर उनके पास ये अप्रोच नहीं है कि हाउ टू एंगेज कस्टमर्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। सही, तो अब ये तो हो गई उसकी इम्पोर्टेंस, यानी ये इम्पोर्टेंस
अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पैदा कैसे किया जा सकता है, यानी अब अगर मैं एक छोटा बिजनेस हूँ, ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है मैं किसी मार्केटिंग कंसल्टेंट को हायर करते वक्त भी अपने कॉस्ट को सोचूंगा, ठीक है, या जो है ना किसी को पर्टिकुलर, अच्छा क्योंकि अगर छोटा बिजनेस है और उसको अभी ब्रांडिंग का या कंज्यूमर बिहेवियर का इनका अंदाजा नहीं है, तो वो तो शायद इसको एक एड ऑन कॉस्ट समझे कि यार मैं किसी मार्केटर को ले लूं और पता चले मैं और उसके प्रोफेशनल या उसकी जो जो एक्सपीरियंस है उसके मैं उसे पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ब्रांड तो मैं तो मार्जिन ही नहीं है इतने मेरे, यानी प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूँ, तो कोई यानी वो फिर एक आम आदमी इसको कैसे सोचे या कैसे इसको जो है ना वो कुछ बना सकता है, या अगर जी 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 हाँ सर, हाँ बात हो रही है। हाँ एक ये वाली बात थी। दूसरी बात यानी इसी में एक सवाल ये था कि और बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो जो इवन अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन उनका दिमाग सेट है पहले से कि यार ये एक एड ऑन चीज है, हमें ये साइड लाइन है, हमें करना चाहेंगे तो कर लेंगे, वरना वो मार्केट रिसर्च और इन चीजों को कहते हैं यार ये तो टोटली वेस्ट ऑफ मनी। सो इस बारे में क्या किया जा सकता है, यानी एक छोटे बिजनेस को कैसे अंदाजा हो कि यार ये वाकई में मेरे लिए इम्पोर्टेंस है इस बात की, और अगर मैं इस पे थोड़ी टाइम लगा देता हूँ, थोड़ी सी एफर्ट लगा देता हूँ, थोड़ा सा पैसा लगा देता हूँ, तो इसका मुझे रिवॉर्ड जो मिलेगा वो मल्टीप्लायर होगा, मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। इसमें दो तीन चीजें हैं कि सबसे पहले किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को या रिलेटिवली स्मॉल बिजनेस को ये समझना चाहिए और इस पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए कि मार्केटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। सही, मार्केटिंग ठीक है, आपको वो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक कस्टमर लाके दे रही है और फिर हम एक टर्म यूज करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। आपने अगर एक कस्टमर सही, को किया, उसको सर्व किया, उसको राइट प्रोडक्ट ऑफर किया और आपने उसको सेटिस्फाई किया, तो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो आपके साथ दोबारा ट्रांजैक्शन करेगा। आप खुद माशाल्लाह कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, आपको इसके बारे में होंगे, अगर आपका एक कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है और आपने उसको सर्व किया तो देर आर चांसेस एंड देर मस्ट बी सम कस्टमर जो आपके पास वापस आए। तो पहली बात तो ये कि मार्केटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। इस सही प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि सेल्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ ठीक प्रोसेस है, मार्केटिंग। जो आपने शुरू में एक सवाल रेज किया और एक कमेंट किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस नहीं पता, तो बहुत वो आपने सही बात की थी। मैं उसको इस तरह से कहता हूँ कि सेल्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रॉपर मार्केटिंग। अगर आपने प्रॉपर मार्केटिंग की है, प्रॉपर मार्केटिंग इज ऑलवेज ऑप्टिमल, वो कभी भी जो है वो आपको एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चे नहीं करा रही हो। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से सही जगह सही तरह से करते हैं तो उसका नतीजा सेल्स होता है, और उस सेल्स के नतीजे में आपके पास एक लॉयल कस्टमर जनरेट करने की पॉसिबिलिटी बनती है जो एक आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू देती है। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि इन चीज़ों की सही जो हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंशिएशन। आप जो है वो अच्छे अच्छे इदारों की बात की, आज कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेता, उस इंस्टीट्यूट की डिग्री की वैल्यू या उसके MBA की वैल्यू या उसके ACCA की वैल्यू जो है किसी भी और इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज ऑफ परसेप्शन, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट सर्विसेज दे प्रोवाइडेड टू देयर टारगेट कस्टमर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो स्मार्ट मार्केटिंग जो है वो कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होती, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती है, और किसी भी स्मॉल स्टार्टअप के लिए अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके बिहेवियरल बेस्ड जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उससे मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना जो उसको रिवॉर्ड और रिटर्न देगा, दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो हमारे स्टार्टअप्स को ये रियलाइज करने की जरूरत है। सही, ठीक, सही। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है, एक सवाल इसी से कनेक्टेड करके फिर हम हाउ की तरफ चले जाते हैं। वो सवाल ये था कि स्टार्टअप्स को लेकर खास तौर पे मैं बात करूं कि हमारे एक बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार आइडियाज एवरीथिंग, अब पता नहीं उस आइडिया की डिमांड है या नहीं है, ठीक है ना, तो इसका भी थोड़ा ये भूत उतारना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हम यूएस या हम यानी यूएस में भी स्टार्टअप्स बनते होंगे टूटते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ
जिससे भी हम बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ, जो यंगस्टर्स हैं वो कोई नया करने की हमेशा सोच रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक चीज बहुत सालों से हो रही है और उसकी अभी डिमांड है, एक्सपेंशन अभी होनी है, हो सकता है वो कराची में हो रही हो और हो सकता है वो कराची के अलावा वो कहीं और नहीं हो रही, हो सकता है कि कोई चीज कोई 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 टीचिंग मटेरियल है जो अंग्रेजी में हो रहा है उसका उर्दू वर्जन नहीं है। तो इस पहले तो ये भूत थोड़ा सा इस जो उतर जाए, इसके ऊपर मैं जाऊँगा कुछ बात करें कि कितना जरूरी है रेडी कस्टमर, यानी रेडी कस्टमर होने का क्या फायदा है कि आपके पास रेडीमेड कस्टमर हो, या किसी इंडस्ट्री में जाकर आप लोगों को पहले मार्केट कर करके समझाएं, जैसे वो मैं समझता हूँ कि दूध के टेट्रा पैक मिल्क वालों ने, मुझे याद है मेरे बचपन में भी वो पीटीवी पे 20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री चलती थी कि खुला दूध खराब है और डब्बे वाला दूध अच्छा, तो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड किया एंड एट दैट टाइम देयर वाज हलीब एंड देयर वाज मिल्क पैक, और जब वो परसेप्शन बिल्ड हुआ तो इधर से जब मार्केट रेडी हुई तो ऑल्पर्स और दूसरे ब्रांड्स कूद गया मार्केट में, और वो मेरे ख्याल हलीब का तो शेयर ही गया। तो लेकिन हलीब ने जो वो मेहनत की इन टेट्रा पैक्स वालों ने जो 95 से ऑनवर्ड्स की मेहनत की, तो वो मेहनत करना जरूरी है नए आइडिया के लिए, या फिर पहले रेडी रेडी प्रोडक्ट से कुछ पैसे बना लें। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत प्रिसाइज है। पहली बात जो आपने की, किसी और मार्केट का आइडिया लेके अपने मार्केट में एज इट इज कॉपी पेस्ट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट कुड वर्क समटाइम्स ठीक है बट नॉट ऑलवेज। उसकी वजह यह है कि हमें अपने डायनामिक्स को और अपने कस्टमर्स को समझने की जरूरत है। उसकी बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल जो कि इस वक्त COVID-19 में हो रहा है, जिस तरह का लॉकडाउन आपको यूरोप में नजर आता है, अमेरिका में नजर आता है, उस तरह का लॉकडाउन ना हमारे यहाँ हो सका, ना वो हमारे यहाँ ना होगा और ना होगा, सही हमारे डायनामिक्स डिफरेंट। तो हमें ये रियलाइज किसी भी फ्यूचर मार्केटर को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि मैं किस कस्टमर से बात कर रहा हूँ और उसका नीड सेट क्या है। आपने बात की ना कि मैं एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया लेके एक बहुत ब्रिलियंट प्रोडक्ट बना के ले आऊँ, बट वो अगर किसी नीड से अटैच ही नहीं। हम मार्केटिंग कहते हैं कि जी मार्केटर्स ऑलवेज क्रिएट डिमांड, नीड नहीं करते, नीड एग्जिस्ट करती है। मैं एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव कोई सोल्यूशन लेके आता हूँ किसी चीज के लिए, लेकिन अगर उसकी मार्केट में नीड ही मौजूद नहीं है तो मैं उसकी डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको ये देखने की जरूरत होती है सबसे पहले, और देखना चाहिए कि मैं जिस प्रोडक्ट को जिस आइडिया को कंसीव करके अपनी मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी मार्केट और मेरा कस्टमर उसके लिए तैयार है और मेरे पास उसकी जगह है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, दुनिया में आज इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो सक्सेसफुल चल रहे हैं, आपके मार्केट में तो अभी तक इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस ही नहीं है, और प्रॉब्ली इट विल टेक अनदर 20 इयर्स आपके पास इंट्रोड्यूस हो, और शायद उसको अपनी इंट्रोडक्शन और मैच्योरिटी और ग्रोथ में आते आते मजीद 10-15 साल लगते हैं। तो हम एक डिफरेंट मार्केट सेट है और हमें अपनी रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, पहली बात। उसके लिए जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइमरी डेटा और प्राइमरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता हो कि बेसिक इंडिकेटर्स क्या हैं आपकी मार्केट के और आपके कस्टमर्स। और उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समझा जाए कि मेरा कस्टमर है कौन, जो जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है वो मुझे खुश करने के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बट क्या वो मेरी मार्केट की रिक्वायरमेंट है या, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी जो आपने बात की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, हम 65% यूथ हैं, वी आर द यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास जो टीन एजर्स से लेकर 25-30 का एज ब्रैकेट है वो 45-50% प्लस है। तो वी ऑलवेज हैव न्यू कस्टमर्स कमिंग एज बायर्स, और हमारी मार्केट अभी भी एक्सपेंड हो रही है इवन फॉर सम वेरी बेसिक एंड रूटीन प्रोडक्ट्स। तो उन गैप्स को बेहतर प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ और बेहतर सॉल्यूशंस के साथ जो फुलफिल कर रहे हैं विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट्स, वो बहुत सक्सेसफुल। तो बजाय इसके कि आप रीइन्वेंट करें, वो आप इसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के साथ, बेहतर प्रोडक्ट ऑफरिंग के साथ बहुत अच्छी तरह अपनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ दीज लोकल रेस्टोरेंट्स जो पिज़्ज़ा हट के कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, आज पिज़्ज़ा हट इज नोवेयर। टेक द एग्जांपल ऑफ सम अदर सर्विसेज, तो ये चीज़ भी हमारे स्टार्टअप्स को और यंग एंटरप्रेन्योर्स को रियलाइज करने की जरूरत है। न्यू आइडियाज आर ऑलवेज गुड, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप जो है वो नए आइडिया के साथ कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करें जो आपकी मार्केट के लिए उसकी इंट्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपके बिजनेस में खड़ा नहीं होगा।
तो बेटर टू रियलाइज कि मैं एग्जिस्टिंग सिनेरियो में रहते हुए कस्टमर को नए सिरे से कोई चीज वैल्यू एडिशन करके उसको कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दे दूं, सो दैट इट कुड ब्रिंग मोर रेवेन्यू एंड इन लेसर टाइम। ये जो मेरे जहन में सवाल आया था क्योंकि मुझे बहुत पहले जी आप पहले ऐड कर लें फिर मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो एग्जिस्टिंग ऑफ सिनेरियो की बात करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ बेसिक सी चीजें सही करने की जरूरत है, और उनके इवन जो स्मॉल सेटअप है उनकी बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है, बट ये तो उनकी उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग पर उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कस्टमर रिटेंशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ब्रांडिंग उनकी बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, होती ही नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, सेल्स पिच अच्छी नहीं होती, जिसके नतीजे में वो अननेसेसरीली प्रेशर में आके नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और वो प्रोडक्ट्स भी अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं करते, तो यू एंड अप विद सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर अंडर परफॉर्म। सही, अच्छा जो मैंने जो ये सवाल आपके सामने रखा था क्योंकि मुझे ना हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से जब मैं कंसल्टिंग सीख रहा था, अभी भी सीख रहा हूँ लेकिन जो बहुत अर्ली डेज थे, तो पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर बिजनेस कोच हैं वली साहिब, तो वली साहब के पास मैं गया था मशवरे के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखो देयर इज अ रेडी मार्केट और ट्रेनिंग इंडस्ट्री, उसके लिए तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट रेडी है और जब तुम उनके स्टैंडर्ड के बराबर आ जाओगे दे विल पे यू और तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा, और अदर साइड इज कि तुम उस उन लोगों को जाके सिखाओ या उन लोगों को जाके कंसल्टिंग या ट्रेनिंग की अभी बात करो जिन्होंने ये लफ्ज पहली दफा सुना, तो उधर तुम्हें शुरू में आसान लगेगा ये कि तुम अपना लेवल या स्टैंडर्ड बढ़ाए बगैर, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाए बगैर तुम उन लोगों को जाके बात समझा सकोगे, लेकिन देयर इज नो बिजनेस इन दैट। अच्छा अब वो बात है कोई बैक इन 2014 6-7 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं वो मुझे कह देना कि वो ठोकर से समझ में आती है बात, वो उनका जुमला मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया लेकिन याद रह गया, वो फिर मुझे 2018-19 में जाके जब बहुत ज्यादा कोशिशें कर ली और सब कुछ कर लिया फिर जाके बात समझ आई, यार इट्स रियली इजी टू सेल अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर हु इज रेडी या जो लोगों की नीड हो, रादर देन के मैं कोई नई चीज ले आऊं और उस नई चीज को लोगों को सेल आउट करने की कोशिश करूं। अच्छा सर अब हम बात करते हैं थोड़ी हाउ की तरफ, कि जैसे आपने कहा कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये मेरे कस्टमर की वाकई में नीड है, और अगर नीड है तो ऑलरेडी इतने सारे लोग अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे खुद को डिफ्रेंशिएट करूं, ये दो सवाल है कि अब हम थोड़ा हाउ के ऊपर बात करते हैं, और चुप हम इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि इन दो बातों को जहन में रख के आप देखें, नंबर वन we cannot hire a marketing consultant or we cannot hire a person on as a head of marketing, ye budgets nahi hai business ke, aur second businessman ko knowledge hi nahi hai marketing ki, bilkul layman andaaz mein ab wo inko kaise search out kare ki jo meri product hai wo logo ki need hai, aur agar need hai to fir main kaise dusre brand se khud ko differentiate karu। Ji sir, pehli baat do alag alag sawal aate hain, pehli baat to ye ki ek business jo hai usko pata hi nahi hai ki ब्रांडिंग और मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, तो फिर उसका बिजनेस में सक्सेसफुल होना मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए कि जब आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर आप सेल्स तो कर लेंगे फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, बट देन आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी स्टक, आपको वहाँ से डिफरेंशिएशन और एज नहीं मिलेगा, तो मार्केटिंग आपको वो एज देती है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट, हाउ टू गो अबाउट इट, और अगर तो और वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, और बिल्कुल ऐसा होता है, उसके लिए मार्केट में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो एज अ एडवाइस टू एनीबॉडी हु इज लिसनिंग और हु इज इंटरेस्टेड, जो आपको बहुत मुनासिब टर्म्स एंड कंडीशंस पे बहुत अच्छी एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं और उन लोगों से कनेक्ट हुआ जा सकता है उसके इस तरह के अवेलेबल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि किसी भी बिजनेसमैन को ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप प्राइमरी डेटा कहते हैं या प्राइमरी रिसर्च है। आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो उसका कस्टमर आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए है, वो कस्टमर इस वक्त क्या इस्तेमाल कर रहा है, और वो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, ये वो कस्टमर इस वक्त क्या इस्तेमाल कर रहा है, कस्टमर मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा उस कस्टमर की पसंद और नापसंद क्या है,
देखिए जिसको हम अपनी मार्केटिंग के अंदर कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, सही तो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त जो है वो सही 24-240 मिलियन, 24-25 करोड़ है, लेकिन हमारी जो है वो इस वक्त जो है 40-45% जो है वो सही। तो अगर एक मार्केटर ये कहता है कि यार मैं एक नया ब्रांड लेके आ रहा हूँ किसी अच्छी प्रोडक्ट का जो यूथ के लिए, तो मेरे सामने जो है वो तो इतना बड़ा यूथ की मार्केट मौजूद है, मैं तो अगर हर आदमी को जो है वो महीने में एक दफा भी देखूंगा तो मैं कहीं कहीं का कहीं निकल जाऊंगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यू नीड टू सेगमेंट योर मार्केट बेस्ड ऑन योर, उसकी एक्टिविटीज, उसकी इंटरेस्ट, उसके ओपिनियंस डिफरेंट है, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डिफरेंट है, उसको आप मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। जो रिलेटिवली बड़ा बच्चा है डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गोअर है उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स में अप्रोच करेंगे। तो मार्केटर को या किसी भी बिजनेस मैन को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जी मेरी सेगमेंट क्या है, पहली चीज मैं किस कस्टमर से बात करूँगा, उसके बाद मैं उसको टारगेट कैसे करूँगा जिसको आप कहते हैं टारगेटिंग मार्केटिंग के अंदर, और फिर टारगेट करने के लिए मेरी सेल्स पिच क्या होनी चाहिए, मेरी प्रोडक्ट, फिर वही आऊंगा, मेरी प्रोडक्ट किस तरह से मुख्तलिफ होगी उन 5, 10, 15, 20, 50 डिफरेंट प्रोडक्ट से जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी उस कस्टमर के लिए मौजूद है, जिसको हम कहते हैं पोजिशनिंग। तो इसको बहुत सिंपल समझने की जरूरत है, डिफरेंट मार्केटिंग जार्गन से परेशान नहीं होना चाहिए, कि इसको 3 स्टेप्स में ऐसा समझ लिया जाए कि मैंने क्या बेचना है, किसको बेचना है, वो क्यों खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट, और मैं उसको क्या वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करूंगा, मैं उसको क्या एडिशनल वैल्यू दूंगा कि वो मेरा प्रोडक्ट है। इन बेसिक चीज़ों के लिए कुछ प्राइमरी रिसर्च की जाए, और अगर कुछ प्राइमरी रिसर्च के बाद भी चीज़ें क्लियर ना हो तो कुछ ऐसे लोगों को इंगेज किया जाए जिनके पास इस सारे सिनेरियो को और मार्केटिंग प्लान को डेवलप करने की एक्सपर्टीज मौजूद है। अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत बात होती है ऑनलाइन बिजनेस बहुत बूम कर रहा है, आप ये देख लीजिए हमारे सामने ये लाइव एग्जाम्पल केस स्टडी मौजूद है, इस लॉकडाउन के दौरान जितना वो ऑनलाइन बिजनेस को मिला है इससे ज्यादा शायद मिल सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट अभी भी ऐसा है, बहुत ज्यादा बड़ा सेगमेंट अभी भी ऐसा है जो कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन बाइंग के ऊपर, जिसके बहुत सारे इश्यूज हैं। सही, तो लोग इस वक्त ईद की शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोग रमजान की शॉपिंग में स्टक है, दे आर वेटिंग के ये लॉकडाउन खत्म हो तो मैं फिजिकल एक्सपोजर लू जाके उन कपड़ों का, उन जूतों का, उन सारी एक्सेसरीज का जो मुझे ईद के लिए चाहिए, इसलिए कि उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन बाइंग। आज जब मेरी मुख्तलिफ कस्टमर से बात होती है तो कोई भी ऑनलाइन मार्केटर जो है जो इस किस्म की कोई चीज़ें बेच रहा है उसको इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना और उसका सलूशन निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो कस्टमर को इस चैनल के जरिए बेहतर तरीके से एड्रेस करके सेल्स कर सके। सही, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसी प्रॉब्लम को सामने रखें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर लेट सपोज मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मुझे इन कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है जो कि अनसर्टेन है, अनकंफर्टेबल है, तो क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इसका, क्योंकि मार्केट तो बंद है। किसी भी ब्रांड को जो इस पर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है उसको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस अगर मिसाल के तौर पर हाउसवाइफ्स हैं तो वो किस प्रोफाइल की हाउसवाइफ्स हैं, मैं किस एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता हूँ, और आप स्पेसिफिक टारगेट करने के बाद उन सेटिस्फाइड कस्टमर्स के रिव्यूज लें, उनके ओपिनियंस लें, उनको प्रमोट करें, उसको प्रोपगेट करें, आप उनको अपना जो है वो जैसे पीटर ड्रकर का कोट है कि वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट मीडियम ऑफ ऑल, आप वो वर्ड ऑफ माउथ अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स से जनरेट कराएं कि वो बात 1 से 10 लोगों तक पहुंचे, और आप उनके ट्रायल जनरेशन इस पीरियड में बेस्ट पॉसिबल तरीके से करवाने की कोशिश करें, सो दैट उनका ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार ऑनलाइन, एक बहुत जनरल सा फीडबैक है जो आपको मिलता होगा कि यार ऑनलाइन बाइक के अंदर
जिस चीज का ऑर्डर करो, जिस परसेप्शन के साथ करो, जो चीज आती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्लियरेंस वैसी नहीं होती। सो फॉर एनी मार्केटर जो ऑनलाइन बिजनेस में अगर कोई भी टैंजिबल चीज बेच रहा है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने कस्टमर को मोटिवेट करे थ्रू डिफरेंट टूल्स, कि वो एक ट्रायल परचेज करे, मे बी थ्रू हेवी डिस्काउंट्स, मे बी थ्रू फर्स्ट फ्री शिपमेंट, मे बी थ्रू सम अदर टूल्स, कि कस्टमर का एक दफा कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद वंस दैट कस्टमर सेटिस्फाइड, तो आप उसके रिव्यूज लें, आप उसको प्रमोट करें, आप उसको अपने ब्लॉग्स के अंदर, अपने लाइव सेशंस के अंदर, अपने वीडियो चैट्स के अंदर लेके आए, उसकी इंडोर्समेंट्स लें और उन इंडोर्समेंट्स को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रमोट करें। तो दैट विल क्रिएट सो मच नॉइस फॉर योर ब्रांड। सही, इसमें ये बहुत पुरानी बात है, यानी ऑनलाइन के लिहाज से, यानी 3-4 साल पहले की मैं बात करूँ तो उस वक्त भी ना ये मैंने एक दो चीजें ट्राई की थी गुड्स को लेकर ना। अच्छा, उस वक्त फिर मुझे जब कुछ ये लोगों ने कहा था तो मुझे लगा क्या, देखें जिस चीज की डिमांड कम हो, डिमांड ज्यादा होगी ना, वो अवेलेबल नहीं होगी, तो उसकी तो वैल्यू खुद ब खुद बन जाएगी। यानी एक चीज और मार्केट में लोगों की नीड है और वो अवेलेबल नहीं है, तो अब हम ना सिर्फ इनको, जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए बात हो रही है। नहीं भाई, ईमानदारी भी तो लोगों की नीड है ना, लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें चीट ना करे। अब अगर मैं उनसे कहता था यार, अगर आप ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हैं और आप उस ऑनलाइन काम में ये तय कर लें कि यार मैंने धोखा नहीं देना और मैंने कमिटमेंट पूरा करना है, बल्कि थोड़ा सा कमिटमेंट से ज्यादा ही एड ऑन करके देना है, तो आप देखेंगे वही वर्ड ऑफ माउथ, एक तो अल्लाह को भी नजर आ रहा है एक चीज, तो बरकत वाला फैक्टर भी आ जाएगा और वर्ड ऑफ माउथ तो वैसे ही फैलेगा। जैसे कासिम अली शाह साहब से मैंने सुना था, लाहौर में कोई जो है ना, उनके किसी लेक्चर में सुना था, कोई जूस वाला है अनारकली मार्केट में, तो उसकी दिन की सेल जो है ना वो 4 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए, और पता चला कि 40 साल पहले जो है ना वो शख्स यहाँ पे रेड़ी लगाता था और वो एक दर्जन में 13 देता था, तो होते 12 है, लेकिन वो लोगों को भी याद रहा और अल्लाह ताला ने भी बरकत दी, और आज भी उसके यहाँ एक गिलास जो क्वालिटी मेंटेन है और उस गिलास के तरफ छोटा गिलास फ्री होता है। तो इस किस्म की चीजें अगर कर ली जाए, लेकिन हम मेरे ख्याल रिवर्स साइड देखते हैं, हम देखते हैं यार ऑनलाइन है, कस्टमर सामने नहीं है, तो बस जितना मार्जिन वन टाइम ले सकते हो ले लो। जो लोग भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो सिर्फ उसको वन टाइम सेल्स के पर्सपेक्टिव में ले रहे होते हैं कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे ऐड लगाया, उसमें से इतनी सेल्स, इतनी लीड्स मिल गई, उन लीड्स में से मैंने इतनी सेल्स जनरेट कर ली, आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। वो उस कस्टमर की लाइफ साइकिल वैल्यू को रियलाइज नहीं कर रहा है कि अगर वो कस्टमर डिससैटिस्फाई होगा, उसकी डिससैटिस्फेक्शन के नतीजे में वो आपके आने वाले 10-15 कस्टमर्स को डिससैटिस्फाई करेगा। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 दिन पहले हमारी कंपनी के फेसबुक पेज पे एक कस्टमर थी, उन्होंने इंक्वायरी की रेस की अबाउट सम सॉसेस, और हमारी डिजिटल टीम ने या डिजिटल मार्केटिंग टीम ने थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्ड करने में लेट किया, तो उन्होंने काफ़ी नाराजगी का इजहार किया कि जी मुझे आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नहीं मिल रही। सो व्हाट वी डिड इमीडिएटली कि हमने ना सिर्फ उनको प्राइसेस बताई बल्कि हमने अपना एक छोटा सा गिफ्ट पैक बना के उनके एड्रेस पे उनसे पूछा और उनको वो डिलीवर करवाया कि जी आपका जो है आपको टाइमली जवाब नहीं मिला, तो अब आप मार्केट से परचेज ना करें, आप पहले ये इस्तेमाल कीजिए, अपना गुस्सा ठंडा कीजिए, सेटिस्फाई हुई उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए। तो दैट कस्टमर जो अपनी जो सिर्फ ना सिर्फ नाराज था, वो सेटिस्फाई हुआ, वो ओवरजॉयड हुआ, और उसने उसके बाद 10-15 डिफरेंट लोगों को हमने मुख्तलिफ जगह उसको ट्रैक किया, उसने न सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद तारीफ की बल्कि ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। सो दैट क्रिएट्स अ वर्ड ऑफ माउथ। जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, वैल्यू एडिशन इज इम्पॉर्टेंट, वॉट वैल्यू यू आर एडिंग टू योर कस्टमर। तो जैसे आपने मिसाल की और आपने बहुत अच्छी कासिम अली शाह साहब की मिसाल दी, और इसी तरह बहुत से ब्रांड्स हैं जो अपने कस्टमर को, अच्छा देखिए वो वैल्यू किस सूरत में होगी, वो वैल्यू एक बहुत अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की सूरत में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस का डिस्काउंट दें या आप एक्स्ट्रा चीज़ दें, वो एक बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस की सूरत में हो सकती है, वो एक बहुत अच्छी पैकेजिंग की सूरत में हो सकती है, वो एक बहुत अच्छे रिमाइंडर की सूरत में हो सकती है कि आप अपने कस्टमर को एक सेल्स होने के बाद अपने साथ इंगेज किस तरह से कर रहे हैं, वो आप एक बहुत अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के जरिए हो सकती है कि अगर आप अपने कस्टमर का डेटा अपने साथ रखते हैं और आप उसको कहते हैं कि उमर मलिक साहब आज आपकी सालगिरह का दिन है, आपको सालगिरह मुबारक हो फ्रॉम एक्स वाई जी ब्रांड, या उमर मलिक साहब आपको जो है वो रमज़ान मुबारक हो, तो आप अपने कस्टमर को किसी पर्टिकुलर डे की मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई फादर्स डे है, कोई फादर्स डे है,
उसके प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप अपने कस्टमर्स को कितना ज्यादा अपने साथ एंगेज कर रहे हैं, दिस इज मार्केटिंग, और इस मार्केटिंग की कोई कॉस्ट नहीं, दिस इज सिर्फ टाइम है, सिर्फ थॉट है कि हाउ यू कुड कीप ऑन एंगेजिंग अ कस्टमर। मेरी एडवाइस ये होगी किसी भी छोटे बिजनेस को कि यार आपने एक कस्टमर को अगर एक चीज बेची है तो ट्राई टू गेट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट कस्टमर एंड कीप एंगेजिंग इट, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते रहे। अगर आपके पास उसका सेल नंबर मौजूद है तो और आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है जो कि आप उससे ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टूल्स हैं, आप उसको बर्थडे विश कीजिए, आप उसको ओकेजन विश कीजिए, आप उसको जो है वो उसकी कोई पर्सनल अचीवमेंट्स हो रही है उसको विश कीजिए। अगर वो कस्टमर आपके साथ 4-6-8 दफ़ा इंगेज हो रहा है तो आपका ब्रांड वैसे टॉप ऑफ द माइंड आ जाएगा, दिस इज वेरी लो कॉस्ट मार्केट। अच्छा मैं सर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मार्केटिंग को लेकर, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। पहले एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूंगा, फिर चाहूंगा आप उस पर, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग है, तो मैं चाहूंगा फिर आप उस पर एड ऑन करें कि क्या लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है मार्केटिंग को लेकर कि इट्स ऑल गिमिक, मार्केटिंग में दिखलावा है और मार्केटिंग में हम झूठ बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो कि एड्स में होता भी है, कुछ ब्रांड्स करते भी होंगे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि भाई जो मार्केटिंग का काम है बस वो झूठ बोलेगा, या जो सेल्स का काम है वो झूठ बोलेगा। हो सकता है कुछ कंपनीज करती हूँ, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या मार्केटिंग इटसेल्फ ये है या नहीं? अच्छा मैं इसमें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ पहले, फिर आप इस पर एड ऑन कर लीजिएगा। जैसे मुझे कुछ अर्से पहले एक स्कूल ने अप्रोच किया था और उनकी फीस, वो बहुत हाई एंड स्कूल है, फर्स्ट कैनेडियन करिकुलम बेस्ड स्कूल इन पाकिस्तान, तो उनकी फीस है कोई अराउंड 35,000 to 40,000 पर मंथ। तो उन्होंने कहा था कि यार हम चाहते हैं कि आप हमारी फेसबुक, क्योंकि मैं उन्हीं के किसी और स्कूल के लिए कर रहा था जो एक एवरेज स्कूल है, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि इस स्कूल की भी आप करें, हमारे पास इम्प्लॉयज हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए मैं मार्केटिंग कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, बट आई विल कमिट ओनली रीच, या आई विल कमिट एंगेजमेंट, लेकिन मैं आपको वहां से कस्टमर्स ला के नहीं दे सकता, बिकॉज मैं पर्सनली या मुझे अपने ऊपर कम से कम इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस एंड का कस्टमर जो कि इस लेवल पर हो, जो 40,000 rupees पर मंथ अपने बच्चे के लिए स्कूल फीस अफोर्ड कर सकता हो, वो फेसबुक से आपके पास रश लगा दूं मैं। एंड देयर टारगेट्स वर बिग, वो चाह रहे थे कि यार हमारे पास कोई 500 बच्चा आ जाए पहले साल में। अच्छा मुझे साफ पता था कि ये नहीं हो सकता, और अगर मैं उनसे कॉन्टेक्ट लेता तो वो मेरा शायद मेरी कंसल्टिंग बिजनेस का सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट होता अगर मैं उनसे कोई भी कॉन्टेक्ट लेता, बिकॉज दे वर रेडी टू स्पेंड मनी, वो 5-6 lakh rupees इनिशियली स्पेंड करने को भी तैयार थे पर मंथ। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, वो कॉन्टेक्ट लिया ही नहीं। अच्छा उससे मुझे फायदा ये हुआ कि उनको फिर बाद में जब भी उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने मुझे ही अप्रोच किया, उन्होंने कहा ठीक है वी एग्री कि आप हमें कुछ नहीं ला के दे सकते, बट स्टिल वी वॉन्ट टू वर्क विद यू बिकॉज आपने हमसे कम अज कम सच बोल। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये तो चले मैंने एक एग्जाम्पल दी, लेकिन क्या ओवरऑल मार्केटिंग करने में, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस के सिनेरियो में जहाँ कोई कंपनी मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा रही, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ऊपर जबरदस्ती किया हुआ है, वो बोलते हैं यार झूठ के बगैर हो नहीं सकता, दुकानदारी नहीं हो सकती, मार्केटिंग नहीं हो सकती, या ये तो चलता है मार्केटिंग में। तो एक तो वो लोग हैं जो किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं यानी जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या वो झूठ बोलें या छोड़ दें, एक तो ये बात, और सेकेंड ये कि अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं फिर क्यों प्रेशर में आ रहा हूँ मार्केट के, और या मुझे किताबों में नजर ही ये चीज आ रही है, या मैंने मार्केट में लोगों से सुना है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और इसकी वजह से लोगों ने इस पूरी इंडस्ट्री को ही, यानी जो बिल्कुल एहतियात करने वाले लोग हैं वो तो मना कर देते हैं कि यार ये तो काम ही झूठ का होगा, और करने वाले भी बहुत दफा वो, यानी वो सच पे कायम रह के आगे जा सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो डील ना चली जाए वो झूठ बोल देते हैं। तो इस पे हमें क्या करना है? देखिए एक तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उस कैनेडियन स्कूल की कंसल्टेंसी नहीं ली, इसलिए कि आपको एज अ ब्रांड अपने वैल्यू सेट का पता है, और उस वैल्यू सेट ने आपको वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन उसने आपको उनसे छोटा छोटा बिजनेस दिला दिया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो मैं बात कह रहा हूँ, तो बिकॉज यू नो योर वैल्यू सेट और आपको पता है। अच्छा कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग इज नॉट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का, एंड देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हमारे बहुत सक्सेसफुल हुए हैं ब्रांड्स विदाउट एनी
टिपिकल एडवर्टाइजिंग जिसकी आप बात करते हैं, टिपिकल एडवर्टाइजिंग की मैं फिर मिसाल दूंगा आपको, लोकल ब्रांड्स जिन्होंने एडवर्टाइजिंग बहुत लेट शुरू की, यानी वो ऑलरेडी सक्सेस स्टोरी बन चुके थे। टेक द एग्जांपल ऑफ शाही सुपारी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उसके बाद उन्होंने अपनी और प्रोडक्ट्स डेवलप की, कस्टमर्स को सामने रखते हुए प्रोडक्ट्स डेवलप की, राइट चैनल में अवेलेबल करवाया, दे आर सक्सेसफुल। अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ शान, एडवर्टाइजिंग और सारी चीजें उन्होंने बहुत बाद में शुरू की, बट दे आर वेरी सक्सेसफुल बहुत बाद में। टेक द एग्जांपल्स ऑफ यंग्स, सही प्रोडक्ट, सही कस्टमर्स को टारगेट करना और उनका एक वैल्यू सेट है, आपको भी उनके बारे में पता है, मुझे भी उनके बारे में पता है कि उनकी कुछ वैल्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड एडवर्टाइजिंग, और वो उसको स्टिक करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स इस चीज को क्लियरली डिनाई कर देती है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको बहुत एक्सपेंसिव मॉडल्स लेके और झूठ बोलते ही सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं। अच्छा, उसके बाद आप बात कीजिए अच्छी एडवर्टाइजिंग की भी, मैं अभी आपके दूसरे सवाल की तरफ भी आता हूँ। तो अच्छे एड्स कौन से हैं जो हमें और आपको याद रहते हैं? अच्छे एड्स वो हैं जो हमारी रियल लाइफ सिनेरियोस और सिचुएशंस के करीब, और वो हमें अच्छे लगते हैं इसलिए कि वी कैन रिलेट टू दोज एड्स, ठीक है ना। आप गूगल के एड्स की बात करें, आप यूफोन की एड्स की बात करें, इसलिए कि वी कैन रिलेट टू दैट, वो रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जब भी रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करेगी और सोल्यूशन दे रही होगी किसी प्रॉब्लम का, तो कस्टमर उसको देखेगा भी, अप्रिशिएट भी करेगा। अभी कुछ अर्से पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन हुई है एक लोकल ब्रांड की, ऑयल के, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, जहाँ पर एक कंपनी का ओनर जो है वो अपने पियोन से जो है खाना शेयर करता है। जी 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 जी, दस तक का वो ऐड था। नाउ दैट इज समथिंग वैल्यू बेस्ड, दैट इज समथिंग वैल्यू बेस्ड, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन थी। तो पहला सवाल, और वो खुद ही ऑर्गेनिकली लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ऑर्गेनिकली लोगों ने उसको जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। इसी तरह किंग टॉक्स का एक ऐड था कि वो जिसके अंदर एक बॉस है और उसका पियोन उसके सामने लाके चाय रख रहा है, बिस्किट रख रहा है, और वो उसको बता रहा है कि ये चीज ऐसे रखो ऐसे रखो, दैट वाज वायरल। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैगेंट मॉडल नहीं थे, कुछ नहीं था, बट दैट वाज अगेन वेरी सक्सेसफुल। तो ये सारी एग्जांपल्स इस चीज को बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाई करती है कि एडवर्टाइजिंग जो है इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एडवर्टाइजिंग अगर रियलिटी बेस्ड होगी, वैल्यू बेस्ड होगी और कनेक्ट करेगी कस्टमर से, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एज कम्पेयर्ड कि आप उसके अंदर जो है वो झूठ बोलें या वो टॉल क्लेम्स करें जो कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, आपके आपका दूसरा सवाल क्या था इसी से रिलेटेड? जी सर, जी जी। तो वन पॉइंट इज दिस, आपका इससे एसोसिएटेड एक दूसरा सवाल भी था, वो मेरे जरा इस डिस्कशन से मेरे ध्यान से निकल गया। एक सवाल आप और पूछ रहे हैं, एक ये था कि ये तो हम चले गए एडवर्टाइजिंग या जो लोगों से कनेक्ट करें, मैं ये कह रहा था कि एक लोगों का जनरल परसेप्शन है रिगार्डिंग मार्केटिंग कि यार इसमें कहीं ना कहीं झूठ होगा, या तो क्या 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने बिजनेस साइड पे भी मैं आता तो लोगों ने कहा था नहीं ये तो कमाल, ये है कि आप कैसे किसी की जेब से पैसा निकाल। अच्छा, मुझे लगता था कि यार इधर तो हलाल रास्ते इतने ज्यादा हैं जिनको जो अनटैप्ड हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो वाई शुड वी गो फॉर समथिंग इवन जिसमें शक हो, लाएगा कि आप साफ झूठ बोल के कुछ कर रहे हो तो आपको भी पता है दिल में कि ये गलत है, लेकिन शक वाली चीज पे भी जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो हलाल है। तो इसी तरीके से मार्केटिंग में भी ये है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं, यानी जैसे मेरे वाले केस में ले लें तो बाजार लोगों को शायद डर लग रहा होता है यार इतना बड़ा बिजनेस मेरे हाथ से निकल जाएगा, और वो उसमें फिर झूठ भी बोल देंगे, सब कुछ कर लेंगे, दो महीने बाद वो कस्टमर से फिर सुन भी रहे होंगे और अपना ब्रांड खराब कर देंगे। तो मैं चाहूंगा इस पर आप थोड़ी सी बात करें कि ये थोड़ा ऐसा है कि सही है शुरू में थोड़ा कम होगा, लेकिन इसकी बुनियादें कितनी पायदार है कि अगर हम सच को सामने रखते हुए और मॉडर्न मार्केटिंग टूल्स को भी यूज करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की, हम अगर अपने शहर की बात करें तो आज बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे फूड ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे, और उन्होंने जिनकी एक बहुत फॉलोइंग है, जिनकी बाजार में इतनी अच्छी अपीयरेंस नहीं है, कोई बहुत अच्छी बैठने की जगह नहीं है, लेकिन कस्टमर, मैं भी आप भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, वहाँ जाते हैं, उनका खाना उनका मील इन्जॉय करते हैं फॉर द रीज़न के वी नो कि यार मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी, मुझे यहाँ से क्वालिटी मिलेगी, और यहाँ से मेरा ट्रस्ट जो बना हुआ है फॉर द सो मैनी ईयर्स
वो खराब नहीं होता। तो स्पेंडिंग और व्हाट यू मीन इज इम्पोर्टेंट। आप झूठ बोल के एक तरह की ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, अगेन वही बात कि आप झूठ बोल के ऑनलाइन पे कस्टमर को एक दफा तो चीज भेज देते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं भेज सकते और आप उस कस्टमर को रिटेन भी नहीं कर सकते। तो सच इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो हमारा रिलीजन की टीचिंग है उसके अलावा भी डूइंग व्हाट यू मीन एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद जो आपने बात की कि बरकत वाली बात, तो हमारा दीन हमें सिखाता है, हमारे सामने हमारे बुजुर्गों की मिसालें मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी मिसाल जो हमारा बेंच मार्क है लीडरशिप का भी हर लिहाज से, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो जो कहते हैं कि सच जो है वो निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है, तो हमारी आप लोकल इंडस्ट्री के अंदर मिसालें देखेंगे कि भरी पड़ी है। आप कराची शहर की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, जहाँ पर बहुत हम्बल स्टार्टअप्स थे, बहुत हम्बल स्टार्टअप्स थे जो आज मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस हैं और उन्होंने अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वैल्यू सेट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वैल्यू सेट आपके कस्टमर को वो ट्रस्ट देता है कि यार मेरा ब्रांड मुझसे झूठ नहीं बोले। देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ब्रांडिंग के अंदर, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अपना आपका कस्टमर अपने आप को आपके ब्रांड से आइडेंटिफाई करे, यानी जब आपका ब्रांड आपके कस्टमर के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, ये सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल मार्केटिंग। और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बैकेट या झूठ पर बुनियाद रखी हुई एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं, आपकी नीयत सही होने की ज़रूरत है और आपकी ऑफर को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंसिस्टेंसी करने की ज़रूरत है। दैट इज सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं। सही सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारा अच्छा डिस्कशन हो गया। अब मैं चाहूँगा कि आप कोई अगर बुक रिकमेंड करना चाहें जो छोटी सी हो, आसानी से हम पढ़ भी लें, और फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर एडवाइजरी सर्विसेज, तो क्या आप अवेलेबल हैं या नहीं, या आपकी कोई आर्टिकल, कोई बुक, कोई या कोई आपसे वन टू वन अगर कंसल्टिंग या कोचिंग लेना चाहे या सिर्फ एडवाइस ही लेना चाहे, तो पहला सवाल ये कि कुछ बुक्स वगैरह आप रिकमेंड करते हैं, मैं साथ को कमेंट में डाल भी देता हूँ। एंड सेकेंड इज के आपकी क्या अवेलेबिलिटी है या आप जैसे और रिसोर्स पर्सन, हमें क्योंकि हमें इस वक्त मैं समझता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है कि अब हमें हर एरिया के लिए कोई कंसल्टेंट या कोच मिल जाता है। माजी में तो ऐसा होता था, जब हम मुझे याद है कि ट्रेनर है तो इसका मतलब हर चीज का ट्रेनर है, उसे खुद भी नहीं पता मैं किस चीज का ट्रेनर हूँ, तो कंपनी ने भेज दिया हाँ भाई ये नई ट्रेनिंग आई कंसल्टेंट्स पे, तो वो बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब वो फाइनेंस भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो दौर आ गया है कि कोविड की वजह से तो खास तौर पे कि अब मेरे ख्याल है कि हमें स्पेसिफिक हर फील्ड के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से रابطہ करना चाहिए। तो पहले सर बुक्स, एंड देन बुक्स या आर्टिकल्स या कोई रिसोर्स, एंड देन आपकी अवेलेबिलिटी अगर हो तो। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बुक जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो है एल राइज और जैक ट्राउट की दो बुक्स हैं जो मार्केटिंग गुरु समझे जाते हैं, और ये मार्केटिंग की वो बुक्स हैं जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है किसी के लिए भी, जो भी बिजनेस करना चाहता है उसके लिए ये मस्ट रीड है और वो उसको पढ़ के बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो एक तो है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, 22 वो लॉज मार्केटिंग के जो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक है। और मैं जो भी आपके ऑडियंस हैं जो आपके थ्रू इस बात को सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा या वो जो बिजनेस इंटरेस्टेड है वो इस किताब को लाजमी पढ़े, बहुत सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड है। 22 इट इज 22 इम्यूटेबल लॉज, नॉट 32, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग। और इसी तरह इनकी एक और किताब है फोकस के नाम से, 22 राइस की ही बुक है फोकस के नाम से, और वो फोकस क्लियरली इसके बारे में बात करती है कि आपने जो है वो किस तरह से अपनी टारगेट ऑडियंस को अपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ फोकस करके पोजीशन करना है। इसके अलावा एक बहुत हाईली रिकमेंडेड चीज है जो आपने यकीनन पढ़ी होगी, और आपने अगर आप सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर दी, फोकस के नाम से कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर आप मुझे राइटर का नाम दोबारा रिकॉल करके मैं गूगल लिख देता हूं। ये एल राइज है, ALRIES, ये वही राइटर है जिन्होंने 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग जो मैंने आपको रिकमेंड किया उन्हीं के लिखे। सही,
ठीक है सर, अब आप बताइएगा अगली बात जो आप कह रहे हैं। एक चीज मैं और कह रहा था, एक बहुत आजकल तो बस वर्ड है, आजकल तो नहीं है, काफी अरसे से अब है, लेकिन अभी भी लोग उसको रियलाइज नहीं करते, और यकीन आपकी नजर से भी वो चीज गुजरी होगी, जिसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के ऊपर जो भी मटेरियल है उसको पढ़ा जाए, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी बिजनेस सेगमेंट के अंदर एक रेड ओशन है, एक ब्लू ओशन है। रेड ओशन वो है जिसके अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो सिर्फ अपने आप को जो है वो सस्ता करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लहू लहान हो रहे हैं, खुद भी लहू लहान हो रहे हैं और अपने कॉम्पिटिशन को भी लहू लहान कर रहे हैं। और एक है ब्लू ओशन, जहाँ पर आप वैल्यू एडिशन करके अपनी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ करके बहुत आसानी से प्रॉफिट्स के साथ बेच सकते हैं। तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक पूरी स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर जो है वो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और अवार्ड विनिंग इसके ऊपर बुक्स हैं, थ्योरीज। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारी चीज़ें लाजमी कोई भी आदमी जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उन चीज़ों को पढ़े और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी पाए तो यकीनन इसके लिए मुझसे भी रब्ता किया जा सकता है। मैं इस किस्म की सर्विस के लिए अवेलेबल हूँ, और मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि ना सिर्फ मैं अवेलेबल हूँ बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर थ्रू इसके लिए अवेलेबल हूँ। तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आपके थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकता है, और इंशाल्लाह हम उसको कुछ बेसिक ट्रेनिंग देंगे और एडवाइजरी दोनों सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई डायरेक्ट रब्ता करना चाहेगा तो आपकी प्रोफाइल पे ही रब्ता कर ले, या लिंक्डइन पे इसी नाम से है, या आप नंबर या कोई चीज़ अगर शेयर करना चाहेंगे और या ईमेल। लिंक्डइन पे भी अली यासिन के नाम से मैं मौजूद हूँ, और फेसबुक पे भी मेरी ये आइडेंटिटी मौजूद है, और आपके थ्रू भी अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे तो आपके थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक्स अलॉट एक दफ़ा फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमें इस मुश्किल सब्जेक्ट को थोड़ा आसान करके समझाया। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, इट्स ऑलवेज वेरी हार्टिंग एंड गुड कि आपका आपके पास से गुजरा हुआ कोई स्टूडेंट माशाल्लाह इतना अच्छा कर रहा हो और वो कंसल्टेंट के लेवल पे हो, और वो न सिर्फ अपने लिए एक अच्छी हलाल इनकम की उसने एक एवेन्यू क्रिएट कर किया, बल्कि वो वैल्यू एडिशन कर रहा हो लोगों के बिजनेस में और उनकी लाइफ में। तो ऑल द गुड थॉट्स फॉर यू, जज़ाकअल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।